जुले बच्चों, कल हमने किया स्टैंडर्ड डिविएजन बाय लॉन्ग मेथड, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डिविएजन बाय शॉर्ट मेथड। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लाया हुआ है। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएजन का फॉर्मूला लिखेंगे। स्टैंडर्ड डिविएजन इज इक्वल टू आई अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसको हम बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। तो शॉर्टकट मेथड इजी है। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, एज्यूम मीन लेते हैं, ठीक है। एज्यूम मीन लेंगे तो एज्यूम मीन के सामने हम ज़ेरो रखेंगे, ठीक है। ये आएगा आपका एक्स। ज़ेरो के ऊपर वाले सारा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि ऐसे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, और नीचे नेगेटिव में आ जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स के लिए हम क्या करते हैं, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री वन ज थ्री प्लस टू टू ज फोर, फोर वन ज फोर, वन ज़ीरो ज ज़ीरो, प्लस माइनस माइनस, फाइव वन ज फाइव, थ्री टू ज सिक्स माइनस, फोर थ्री ज ट्वेल्व। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स प्लस पॉजिटिव वाले सभी को प्लस करेंगे और नेगेटिव वाले साइन को भी प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, एट नाइन टेन इलेवन, यहाँ पे आ गया आपका इलेवन, और यहाँ आएगा आपका सिक्स सिक्स टू सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, यहाँ पे थर्टीन थर्टीन टू ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री आ गया आपका। अब हमने क्या करना है, इनको यहाँ ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे हाँ यहाँ माइनस आएगा बच्चों, माइनस का साइन आएगा माइनस ट्वेंटी थ्री, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ट्वेंटी थ्री में से हम करेंगे माइनस इलेवन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टू टू और वन, साइन आपका माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है। अब नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारा एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे एक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री थ्री ज़ा नाइन, टू फोर ज़ा एट, फोर वन ज़ा फोर, ज़ीरो, फाइव वन ज़ा फाइव, माइनस माइनस प्लस, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व। तो थ्री इंटू ट्वेल्व, थ्री टू ज सिक्स, ये ट्वेल्व है, ठीक है। थ्री टू ज सिक्स, थ्री वन ज थ्री, लास्ट में हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। अब इन सारे वैल्यूज को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, सिक्स सेवन एट, एट फाइव थर्टीन, फोर्टीन फिफ्टीन, सिक्सटीन सेवनटीन, एटीन नाइनटीन, ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थर्टी फोर, थर्टी फोर, यहाँ पे थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ आपका आएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर सेवेंटी फोर। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आएगा आपका आई यहाँ पे आएगा क्लास इंटरवल का डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना है, फाइव अंडर रूट
सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आपका आ गया 74 डिवाइड बाय एन, एन इज 20 माइनस सिग्मा एफ एक्स आपका है माइनस 12 अपॉन एन है 20 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे 5 अंडर रूट 74 बाय 20 को हम इसी तरह लिखेंगे माइनस सबसे पहले हम स्क्वायर्स को खत्म करेंगे 12 इंटू 12 जो कितना होता है 144 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस का साइन खत्म हो जाएगा डिवाइड बाय 20 जो 400 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट ठीक है अब कैलकुलेटर की मदद से हम करेंगे 74 डिवाइड बाय 20 आपका यहाँ पे आ जाएगा 3.7 माइनस 144 डिवाइड बाय 400 तो आपका आ जाएगा 0.36 तो यहाँ आ जाएगा आपका अंडर रूट 3.7 माइनस 0.36 इज 3.34 यहाँ पे 5 आएगा इज इक्वल टू 5 इंटू अब हम इसका रूट निकालेंगे अंडर रूट 3.34 आपका आ जाएगा 1.82 इज इक्वल टू 9.13 स्टैंडर्ड डिविएशन आपका आ गया 9.13 अच्छा बच्चों तो हमारा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी खत्म हो गया है अब नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे जो कि कोरिलेशन है ठीक है पहले आप कोरिलेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा समझिए कोरिलेशन इज द स्टैटिस्टिकल मेथड ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है वेयर बाय रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस ऑन क्वांटिटेटिव स्केल यहाँ पे रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटेटिव स्केल पे द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज एक्सप्रेस इन फिगर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 टू प्लस 1 एंड 0 टू माइनस 1 देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है जैसे कि इफ द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्रीजेस इन द प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन हिज हाइट द रिलेशनशिप बिटवीन हिज हाइट एंड वेट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन ठीक है बच्चों इट रेंजेस फ्रॉम 0 टू प्लस 1 इफ इट इज 0 देन There is no relation at all. When it is plus 1, then there is perfect positive correlation. ठीक है? अब negative correlation क्या होता है? It is just the opposite of positive correlation. If the weight of an individual does not increase, यहाँ पे क्या आ गया? Does not increase in proportion to increase in his height or if the weight of an individual decrease yahan pe kya ho kya hai decrease with an increase in height then it is said to be negative correlation it is also ranges from 0 to minus 1 minus 1 is perfect negative correlation theek hai bachcho अब हम क्या करेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन वेरियस पर्संस हैव सजेस्टेड वेरियस मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट कोरिलेशन देयर आर टू मेथड्स दैट आर एक्सेप्टेड एंड इम्पोर्टेंट आर रैंक ऑर्डर मेथड प्रोडक्ट
मोमेंट मेथड। पहले हम रैंक ऑर्डर मेथड करते हैं। दिस मेथड वॉज गिवन बाय चार्ल्स एडविट स्पेयरमैन। ये मेथड किसने दिया याद रखना, चार्ल्स एडविट स्पेयरमैन इन 1904। ही वॉज एन इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट। रैंक ऑर्डर मेथड हम किस तरह यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होता है, इवन ट्विन्स आर डिफरेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स इन मैनी ट्रेड कैन बी ऑफन बी एक्सप्रेस बाय रैंकिंग। उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रैंक देके, रैंकिंग द सब्जेक्ट इन 1-2-3 ऑर्डर व्हेन सच डिफरेंसेस कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। अगर हम उनका डिफरेंस डायरेक्टली अगर मेजर नहीं कर सकते हैं तो उनको रैंक देके हम उनका डिफरेंस मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल मे बी रैंक्ड इन ऑर्डरली ऑर्डर बाय मेरिट ऑफ ओबीडियंस। ओबीडियंस के लिए हम मेरिट क्या कहते हैं, रैंक देंगे। इंडस्ट्रियस, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी के लिए, सोशल एडजस्टमेंट के लिए। सिमिलरली वेरियस एडवर्टाइजमेंट, उसी तरह वेरियस एडवर्टाइजमेंट, कलर कॉम्बिनेशंस, जॉक्स एंड पिक्चर्स विच आर डिफिकल्ट टू इवेल्युएट न्यूमेरिकली मे पुट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर ब्यूटी, ह्यूमर, आर्टिस्टिक क्वालिटी और सम अदर क्वालिटी। ठीक है बच्चों, तो रैंक ऑर्डर मेथड का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में रो, इसको हम रो पढ़ेंगे, रो इज इक्वल टू 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे पी ब्रैकेट में रो, ठीक है ना, इसको हम रो पढ़ेंगे, रो। रो स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम रैंक डिफरेंसेस। सिग्मा डी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक एंड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पेयर्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ, अब हम एक एग्जांपल करेंगे। तो हम रैंक ऑर्डर मेथड एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये है, 5 बच्चों का स्कोर दिया हुआ है अलग अलग 2 सब्जेक्ट्स में, ठीक है, स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई, ठीक है, मार्क्स इन एजुकेशन ए को मिला है 22, बी ऑब्टेंड 18 मार्क्स, सी ऑब्टेंड 19, उसी तरह डी का है 15, ई का 17, ठीक है। अब मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ए का 18, बी का 15, उसी तरह 17, 16 और 19, ठीक है। अब हमने इन दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, रो इज इक्वल टू 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, हम रैंक सब्जेक्ट एजुकेशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे R1, ठीक है, R1 का मतलब है रैंक 1। तो इन सब्जेक्ट्स को हम रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग किस कैसे करते हैं, इसमें सबसे जो हाईएस्ट होगा उसको हम रैंक 1 देंगे। तो हाईएस्ट हमारा क्या है, 22 हमारा हाईएस्ट है, तो हम इसके सामने रैंक 1 में लिखेंगे 1। इसके बाद 19 यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए R2, इसी तरह हम मार्क्स इन इकोनॉमिक्स को भी रैंक करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट है 19, इसके सामने 1 लिखेंगे,
उसके बाद 18 हमारा है यहाँ 2, फिर 3, 4 और 5। अब हमें क्या चाहिए? डी चाहिए। ठीक है, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, आर वन माइनस आर टू करते हैं। आर वन हमारे क्या है, 1, और आर टू 2। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 1 3। यहां पे आ गया आपका डी स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, 1 जा 1, 3 जा 9। लास्ट में हम करेंगे इसका सबमिशन। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12 और 4, 16। आपका सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 16। ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर हमारा आया 16 अपॉन n। n है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना है यहाँ पे, कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बच्चों का स्कोर है, तो हम यहाँ पे n हमारा आ गया 5। 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 6, 6 जा 36, 6 1 जा 6, 7 8 9, यहाँ पे आ गया आपका 96, डिवाइड बाय 5। ठीक है, 5 5 जा 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 96 डिवाइड बाय 5 इंटू 25 माइनस 1 इज 24 इज इक्वल टू 1 माइनस 96 डिवाइड बाय 5, 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस 96 डिवाइड बाय 120। इसको हम कैलकुलेटर पे कर देते हैं, 96 डिवाइड बाय 120 इज 0.8। ठीक है, 1 माइनस 0.8 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1, ऐसे कर सकते हो आप रफ वर्क, 1.0, 0.8, तो आप आपका यहाँ पे आ गया 10, 10 में से ऐड किया तो 2। ठीक है, 0.2 आया आपका, आपका आंसर आ गया 0.2। रो इज इक्वल टू 0.2। अब इसको इंटरप्रेट करना है, हमने हमारा रिजल्ट आया रो इज इक्वल टू 0.2। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर पॉजिटिव में आते हैं तो प्लस, प्लस में आते हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन। आपका आंसर आ गया, आप लास्ट में लिखोगे इट मींस दैट देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे एक बात आप समझ लेना कि अगर दो बच्चों का एक जैसा मार्क्स आए, ये भी हो सकता है ना कि दो बच्चों का सेम मार्क्स आ सकता है। ठीक है, दो बच्चों का भी आ सकता है, तीन बच्चों का सेम मार्क्स हो सकता है, तब हम रैंक कैसे, उनको रैंक कैसे देंगे, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लाया हुआ है। उसी तरह हम पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे,
rho is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n, n square minus 1. सेम प्रोसीजर है R1। अब हमने देखना है कि इनमें सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है। सबसे हाईएस्ट स्कोर है ई का। ई स्कोर हाईएस्ट स्कोर इन इंग्लिश। सो नेक्स्ट किसका है अनी। तो 86 के सामने हम यहाँ पे रैंक इसको 1 देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है 81, इसको देंगे हम 2, ठीक है। अब 81 भी हो गया। अब तीसरे नंबर पे किसका मार्क्स ज़्यादा है, 76, ठीक है। 76 अब यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे हमारा रैंक 1, 2 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, रैंक यहाँ पे 3 प्लस 4, रैंक 3 और 4 को प्लस करेंगे और कितने बच्चों को मिला है उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। दो बच्चों का सेम स्कोर है जिनका रैंक 3 और 4 आ सकता था, तो 3 प्लस 4 इज 7 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 3 इज 6 पॉइंट, 2 5 इज 10, यहाँ पे आएगा आपका 3.5। दोनों को हम रैंक देंगे 3.5, इसको भी 3.5, ठीक है। रैंक हम कंटिन्यू रखेंगे, रैंक 1, 2, 3, 4। अब फिफ्थ रैंक पे किसका आता है वो देखेंगे। 76 के बाद 61, इसको ए स्टूडेंट को मिलता है फिफ्थ रैंक नंबर 5। सिक्स्थ पे अब हमने सिक्स पे तीन बच्चों का सेम स्कोर है, तीन बच्चों का, तो हम रैंक 6 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइड बाय तीन बच्चों का, ठीक है। तो कितना हुआ यहाँ पे, 6 to 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 डिवाइड बाय 3, 3 7 जा 21। अब तीन बच्चों का सेम रैंक आएगा जो कि हमारा 7 है, इसको भी 7, इसको भी 7 और इसको भी 7, ठीक है। हमारा रैंक था 8 पे, तो 9th रैंक पे आएगा 46 और 10th रैंक पे आ जाएगा आपका 42, ठीक है बच्चों। तो हम रैंक 2 हम कल निकालेंगे क्योंकि आज समय नहीं है, तब तक